हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कक्षा बारह के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान का पेपर लेकर आए हैं जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 और 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा ठीक है ना बच्चों देखो कक्षा अच्छा बारह गृह विज्ञान होम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा बच्चों या एन रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड सभी के लिए जहाँ भी एन चलती है वहाँ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा ठीक है तो चलिए देर न करते देखेंगे बच्चों कैसे जो है आदिवासी परीक्षा का पेपर होगा देखो पूर्णांक जो रहेगा आपका सत्तर नंबर का रहेगा और समय मिलेंगे कितना तीन घंटे पंद्रह मिनट का मिलेगा और प्रारंभ के नोट में क्या रहेगा बच्चों प्रारंभ के पंद्रह मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र पढ़ने के निर्धारित किया जाएगा सभी प्रश्न अनिवार्य रहेगा और पहले वह विकल्प रहेगा फिर उसके बाद अद्धलघुत्री फिर उसके बाद लघुत् फिर उसके बाद में दीर्घ दीर्घोत्री प्रश्न मिलेंगे तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न जो बीस नंबर का रहेगा बहुविकल्पी प्रश्न बीस नंबरों का रहेगा बच्चों चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर छाड़ कर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए पहला का क्वेश्चन है एक का कि कार्य व्यवस्था के अमानवीय साधनों में कौन शामिल है कार्य व्यवस्था के अमानवीय साधनों में कौन शामिल है धन भौतिक वस्तुएं सार्वजनिक वस्तुएं उपयुक्त सभी तो बच्चों यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा डी हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि गृह की सुव्यवस्था में गृहिणी में निम्नलिखित में कौन से गुण होने चाहिए कर्तव्यों का ज्ञान अनुकूलता कार्यकुशलता परिश्रमी चरित्रवान उपयुक्त सभी तो यहाँ बच्चों जो है डी हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ भी उपयुक्त सभी हो जाएगा यानी गृहिणी में कर्तव्यों का ज्ञान भी होना चाहिए अनुकूलता कार्यकुशलता भी होना चाहिए परिश्रमी व चरित्रवान भी होना चाहिए तो यहाँ बच्चों उपयुक्त सभी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विषम पोषी पोषण में शामिल है प्राणी संभोजी पोषण मृतो जो भी पोषण उक्त दोनों उनमें से कोई नहीं तो यहाँ बच्चों जो है घा का तीसरा हो जाएगा उक्त दोनों हो जाएगा दोनों यानी प्राणी संभोजी पोषण मृतोपोजी पोषण अगला क्वेश्चन देखेंगे भोजन की आदतों के आधार पर जंतुओं के प्रकार है शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी मृतभक्षी उपयुक्त सभी तो बच्चों यहाँ घा का जो है डी हो जाएगा उपयुक्त तो सभी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन की, कमी से, आयो की कमी, से तो गले गले कमी से कौन सी बीमारी होती है आयोडीन की कमी से, से जो है घेघा रोग हो जाता है यहाँ कौन सी बीमारी इसमें से बताना है कौन सी बीमारी होगी बच्चों थायराइड गलकंड वही गले का गले का रोग आयोडीन कमी से कौन सी बीमारी होती है थायराइड गलकंड अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन आयोडीन हिंता से ग्रसित राज्य है दो का कहा देखेंगे बच्चों हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन आयोडीन हिंता से ग्रसित राज्य है जम्मू कश्मीर कर्नाटक केरल अरुणाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र मध्य प्रदेश उपयुक्त सभी बच्चों यहाँ डी हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है यस ए आई फिशिंग ने निर्मी से किस खाद्य पदार्थ के शुद्धिकरण के लिए मालक निर्धारित किए गए हैं नमक गेहूँ आटा दूध व तेल उपयुक्त ते सभी यहाँ बच्चों दो का का सही जवाब क्या हो जाएगा डी हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दो का गाह निकोलस एपार्ट द्वारा खाद्य पदार्थों को डिब्बा में बंद करने की प्रक्रिया को किस वर्ष विकसित किया गया किस वर्ष विकसित किया गया बच्चों तो यहाँ सही जवाब जो, जो है दूसरा हो जाएगा 1810 सौ ईस्वी में अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक खतरा का तात्पर्य है रासायनिक खतरा का तात्पर्य है वे रासायनिक हानिकारक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों में जाने से अनजा अनजाने मिला दिए जाते हैं तो बच्चों यहाँ जो है सही जवाब पहला ही हो जाएगा वे रासायनिक हानिकारक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों में जाने अनजाने में मिला दिए जाते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि खाद्य पदार्थों में ऐसे सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति जो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं ऐसे जीवाणुओं को क्या कहा जाता है आपको बताना है बच्चों दो का अंगा का सही जवाब क्या हो जाएगा तो पहला हो जाएगा जनित रोगाणु दो का अंगा का पहला हो जाएगा खाद्य जनित रोगाणु चलिए हम लोग तीन का का देखेंगे कि जन्म से लेकर आठ वर्ष की आयु तक की अवस्था को माना जाता है बाल्यावस्था प्रवावस्था शस्थावस्था प्रारंभिक बाल्यावस्था तो बच्चों तीन का 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 सही जवाब क्या हो जाएगा तीन का सही का का सही जवाब हो जाएगा तीसरा हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी जो है जन्म से लेकर आठ वर्ष की आयु तक की अवस्था को प्रारंभिक बाल्यावस्था माना जाता है बच्चों यहाँ प्रारंभिक बाल्यावस्था भर दिया जाएगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग विकासात्मक परिवर्तनों के आधार पर प्रारंभिक बाल्यावस्था कितने भागों में बांटा जाता है तो यहाँ सही जवाब हो जाए दो चार तीन पाँच सही जवाब बच्चों दो हो जाएगा दो हो जाएगा निम्न में से कौन समुदाय के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली संरचना है विद्यालय अस्पताल प्रशिक्षण केंद्र उपयुक्त तो सभी तो बच्चों जो है गा का जो है फोर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा कह रहा है कि निम्न में से कौन समुदाय के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली संरचना है विद्यालय भी है अस्पताल भी है प्रशिक्षण केंद्र भी है उपयुक्त सभी है बच्चों यदि किसी व्यक्ति की आवश्यकताएं दैनिक जीवन के क्रम में पूरी नहीं होती हैं तो वह व्यक्ति बन जाता है क्या बन जाए चिंतित संवेदनशील उत्तेजित पराजित तो घा का बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा घा का सही जवाब बच्चों दूसरा हो जाएगा संवेदनशील यहाँ सही जवाब जो है दो हो जाएगा अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग निम्न से कौन दिखने तथा छूने की एक संवेदी अनुभूति है रंग रेशा आकार बुनावट सही जवाब बच्चों यहाँ जो है तीसरा हो जाएगा बुनावट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि वर्ण क्रम में स्थिर रंगों का सही क्रम से कौन सा है वर्ण क्रम में स्थिर रंगों का सही क्रम से कौन सा है चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं सही जवाब बच्चों जो है ये हो जाएगा जो है अगला क्वेश्चन है कि फैशन है एक वर्ष डिजाइन जो हमेशा बन जाता है एक शैली जो किसी एक समय अवधि तक प्रचलित रहती है सही जवाब यहाँ जो है दूसरा हो जाएगा बच्चों ठीक है यानी चार खा का जो है दूसरा हो जाएगा एक शैली जो किसी एक समय अवधि तक प्रचलित रहती है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिधान लगभग एक वर्षों से एक जैसा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परिधान लगभग एक वर्षों से एक जैसा रहा है स्कर्ट बैगी पैंट ब्लाउज डेनिप्स बच्चों गा का सही जवाब क्या हो जाएगा चौथा हो जाएगा डेनिम्स धुलाई मशीनों में चक्करा का उपयुक्त गति होती है धुलाई मशीनों में चक्रां की उपयुक्त गति क्या होती है चार ऑप्शन दिया गया है यहाँ सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा 600 से 620 सौ अगला क्वेश्चन है कि व्यावसायिक धुलाई घरों में निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यवस्था नहीं होती है व्यावसायिक धुलाई घरों में निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यवस्था नहीं होती है रेशा निर्माण निर्जल निर्माण रिकॉर्ड रखने के प्रति जल निष्कासन तो बच्चों अंगा का सही जवाब क्या हो जाएगा रेशा निर्माण यहाँ सही जवाब पहला हो जाएगा चलिए अब हम लोग अति उत्तरी प्रश्न देखेंगे ये भी एक एक नंबर का मिलेगा पहला है पाँच का है बच्चों की अर्थपूर्ण कार्य उसके बाद में खाद्य विज्ञान इन दोनों का टिप्पणी हम लोग देखेंगे सस्प्रेंड देखेंगे हम लोग अर्थपूर्ण कार्य क्या है आइए इसका उत्तर देखते हैं अर्थपूर्ण कार्य क्या बच्चों देखो अर्थपूर्ण कार्य समाज अथवा अन्य लोगों के लिए उपयोगी होता है जिसे जो है ज़िम्मेदारी से किया जाता है और करने वालों के लिए आनंददायक भी होता है यह कार्य करने वालों को अपने कौशल अथवा समस्या समाधान की योग्यता के लिए समर्थ बनाता है अगला क्वेश्चन बच्चों खा वाला है पाँच का खा जो है खाद्य विज्ञान क्या है आइए इसको उत्तर देखते हैं खाद्य विज्ञान किसे कहते हैं खाद्य विज्ञान क्या है चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं हम लोग देखो भैया खाद्य विज्ञान वह विषय बच्चों जिसमें खाद्य की प्रकृति उनमें होने वाली विकृति के कारणों और खाद्य प्रसंकरण खाद्य प्रसंकरण क्या बच्चों जिसे कच्चे माल को उसके बाद में बना देना दूसरा प्रक्रिया में बदल देना यानी कच्चे माल को पक्के माल में बदल देना विकृति के विकृति के कारणों और खाद्य प्रसंकरणों के सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए जीव विज्ञान भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान का उपयोग किया जाता है चलिए बच्चों छा का का और खा देखेंगे आयोडीनता विकार क्या है खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र क्या है दो उत्तर देखेंगे नौ छा का और खा आयोडीनहीनता के विकार और खाद्य प्रसंकरण के क्षेत्र चलिए शस्त पर हम लोग देखेंगे आयोडीनहीनता के विकार क्या है आयोडीनहीनता विकार क्या है बच्चों देखो यह एक परिस्थितिक परिघटक है जो अधिकतर मृदा में मृदा माने मिट्टी मृदा में आयोडीन की कमी से होता है इसमें आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है और उसके स्वास्थ्य को जो है प्रभावित करती है ठीक है बच्चों इसको कहते हैं आयोडीन आयोडीनहीनता देखो अच्छा का खा आ गया बच्चों खाद्य प्रसंकरण क्या है अभी हमने इसके बारे में चर्चा कर रहे थे देखो खाद्य प्रसंकरण घर या खाद्य प्रसंकड़ों उद्योग में मानव या पशुओं के उपभोग के लिए कच्चे संगठों को खाद्य पदार्थों बदलने या खाद्य पदार्थों को अन्य रूप में बदलने के लिए उपयुक्त विधियों और तकनीकों का एक क्या है बच्चों एक समूह है इसी कहते हैं खाद्य प्रसंस्करण और खाद्य प्रसंकरण के क्षेत्र क्या होते हैं बच्चों देखो भारत में खाद्य प्रसंकरण के क्षेत्र में फल और सब्जियां मसाले मांस और जो है पोल्ट्री दूध और दूध उत्पाद मदिरा मत्स्य उद्योग वृक्षारोपण अनाज प्रसंकरण और उपभोक्ता उत्पाद समूह जैसे मिष्ठांत चॉकलेट और कोको उत्पाद सोया आधारित उत्पाद मिनरल जल उच्च प्रोटीन खाद्य आदि शामिल है इसी कहते हैं मतलब तो एक इसको कहते हैं बच्चों खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र देखो उसके बाद में आएगा लघुत् प्रश्न रहेगा जो चार अंकों का आपको मिलेगा भारत में चल रहे पोषण कार्यक्रम अपनो कार्य का विवेचन कीजिए चार चार अंकों का रहेगा लगभग लघुत्श्न चार चार अंकों का रहेगा और उसके बाद दीर्घ दीर्घत्री प्रश्न जो रहेगा बच्चों वो छः अंकों का रहेगा जहाँ भी अथवा लग जाए एक क्वेश्चन करना है दो में से जहाँ भी अथवा लग जाए दो में से एक को करना है आपको ठीक है जहाँ भी अथवा लग जाए दो में से एक करना पड़ेगा